अस्सलाम वालेकुम नवाज शाह, आपसे खुश आमदी। बात करेंगे यूं ही के लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा उसे अपनी शादी का कार्ड देती है और वहीं पे उसे पता चलता है दूसरी तरफ उसके ससुर की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, वो घर आ जाता है और उस दाऊद की माँ से कहती है तुम उसे रोक लो, लेकिन वो नहीं रुकती। और दूसरी तरफ उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अपने बाप से बात करती है कि वो वहाँ पर आ रही है, तो कहती है क्या तुमने दाऊद से बात कर ली, तो कहता है हाँ। दूसरी तरफ दाऊद की बहन भी उसे कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो नहीं रुकेगी। और दूसरी तरफ वो सब घर वालों से मिल के जाती है और कहती है कि मुझे अब दाऊद का इंतज़ार नहीं है कि वो आएगा और ना ही मुझे इंतज़ार करना है। सब घर वाले काफ़ी इमोशनल उसे याद करते हैं, लेकिन किम वहाँ से चली जाती है और सब लोग काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं इस बात से। वहीं दाऊद आता है तो उसकी बहनों से बताती है सुरिया, लेकिन वहीं से वो वापस चले जाता है। वहीं काफ़ी टाइम गुजर जाता है और इकबाल और सब घर वाले काफ़ी खुश होते हैं सिवाय दाऊद के। वो काफ़ी परेशान होता है और उसको एहसास होता है किस तरह किम के जाने की वजह से उसकी ज़िंदगी में कितनी बदलाव आई है। वहीं पे वो तैयारी करता है कि वो जाएगा किम को लेने के लिए, लेकिन उसी दिन उसी रात को आ जाता है किम और उसका बाप वापस। जब वो किम को देखते हैं सब तो वो हैरान और परेशान रह जाते हैं, क्योंकि किम हिजाब करना शुरू कर देती है और बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की बनकर सामने आती है। और दूसरी तरफ वो जाके दाऊद से मिलते हैं तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा आज मेरी की मेरी फ़्लाइट थी, मैं तुम्हें लेने आ रहा था, तो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ गई हूँ। कैसी लगी आपको एंडिंग? एक अच्छी एंडिंग थी कि एक वो लड़की जो कि सर पे दुपट्टा तक नहीं लेती थी और बालों को हमेशा खुला छोड़ा होता था, उसने उसमें इतनी तब्दीली आई उसके एक अच्छे शोहर एक अच्छे हमसफर की वजह से कि उसने अब हिजाब लेना शुरू कर दिया। कैसी लगी आपको ये ड्रामा सीरियल? कैसी लगी ये स्टोरी? आप भी अपनी रिकमेंड के ज़रिए दीजिएगा।